कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मिली मंजूरी। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ झारखंड कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार से की बढ़ी कीमत वापस लेने की मांग। लद्दाख विवाद के मामले में अमेरिका के एक शीर्ष सेनेटर ने भारत के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई। G20 देशों ने अक्टूबर 2019 के मध्य से मई 2020 के मध्य तक 154 नए व्यापार और व्यापार संबंधित उपाय किए। दिल्ली कैंटोनमेंट जोन में डोर टू डोर सर्वे का काम 6 जुलाई तक होगा पूरा। मेघालय सरकार ने राज्य में रात्रि कर्फ्यू 6 जुलाई तक बढ़ाया। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मिलेगा मुफ्त अनाज। मुंबई के होटल ताज को उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। और 52 देशों में दूसरी बार विशाखापट्टनम में गैस लीक की घटना, फार्मा संयंत्र में रिसाव से दो की हुई मौत।